ये लीजिए भाभी। इतना सामान एक साथ। अच्छा वो एक काम कर दो मेरा। जी जी बताएं। वो मेरा एक पीको वाला दुपट्टा रखा है, टाइम ही नहीं मिल रहा, जरा पीको करा के ला दो। ला दीजिए मैं करवा दूंगा। अभी ला लो, रुको यहीं पे। अमजद ये दुपट्टा है, उसको बोलना कि ये जो पीला रंग है ना, इस धागे से करो उसको। हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये देखो मेरे बाबा बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वैसे कहाँ होते हैं ये? हैदराबाद, अपनी मम्मा के पास। तो अगर वो तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं तो तुम लोगों के पास क्यों नहीं रहते? मम्मा कहती हैं कि उन्हें ज़्यादा दादों से प्यार है, लेकिन मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा बाबा मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा वो तुम लोगों से मिलने आते हैं? नहीं, कॉल पे बात होती है। क्यों नहीं मिलने आते? मामा और बाबा एक दूसरे से नाराज हैं। सॉरी माँ, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। चलो हम बाहर चलते हैं। ये वीडियो फोटो बन रही थी जब से, एक सेकंड। क्या है यहाँ पे? ये पेन निकल रही है। चल ठीक है, एक्शन मारो। तुमने मेरे कड़े कहीं रखे हैं क्या? कड़े कहाँ रखे थे? अरे बर्तन धोने के लिए मैंने उतार के रखे थे बेसन पे, कि उठा लूंगी बाद में, फिर भूल गई। मैं समझी तुमने संभाल के रखे होंगे। मैंने तो वहां नहीं देखे। सला तुमने कहाँ रखे मेरे कड़े? नहीं नानो, मैंने कहाँ रखने? उस दिन तो बड़े स्टाइल मार रही थी मेरे कड़े पहन के। मारो, इसी की शरारत है, इसी ने कहीं रखे मेरे कड़े। देखो सिला बेटे, अगर गलती से कहीं भूल के रख दिए मुझे बता दो। नहीं अम्मी, मैंने नहीं उठाए कड़े। नानो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। दो आप ही ने सही कहा था कि आप एक दिन मुझ पर भी चोरी का इल्जाम लगा देंगी। बकवास नहीं कर, घर में हम तीनों हैं बस, कौन उठा के ले गया मेरे कड़े? अच्छा अच्छा, क्यों परेशान हो रही है? एक दफा तसल्ली से देख ले, उसके बाद करती हूँ मैं सही को फोन। अरे तसल्ली से देख लिया है मैंने, नहीं मिल रहे मेरे कड़े, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन लेके जा सकता है, घर में तो हम ही थे और तो कोई आया ही नहीं। मम्मी कहीं अमजद तो नहीं ले गया? क्या अमजद आया था यहाँ पे? हाँ, वो खाने के बाद जब आप थोड़ी देर लेटी थी, वो मैंने उसे बुलाया था एक दो कामों पे, फिर दुपट्टा दिया था उसे पीको के लिए। अरे मारो, तुम्हारी मौजूदगी में क्यों उठाएगा मेरे कड़े वो? लेकिन मैं कमरे में तो आई थी ना दुपट्टा लेने। मुझे तो लगता है उसने मौका देखते हाथ साफ कर दिया। अरे मैं सईद को फोन मिला, मैं खुद बात करती हूँ। देखो वो हम पे गुस्सा है ना, उसे इसी तरह अपना गुस्सा निकाला होगा। करो फोन। करती हूँ एक सेकंड। सईद, हेलो सईद, आप फौरन अभी घर आ जाए। हाँ, और अमजद को लेके आइए साथ में। आप आए, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फौरन आ जाइए बस। आप आए, बता रही हूँ, आप घर आ जाए। अल्लाह हाफिज़। आने दो इस अमजद को, मैं इसका वो हशर करती हूँ, याद रखेगा वो। मैं चेंज करके आती हूँ।